अगर सुबह सुबह उठ के आपको गोलगप्पे वाली फीलिंग आती है, वे योर फेस इज ऑल स्वोलन, देर इज अ लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने चेहरे को सही तरह से किस तरह से आप मसाज कर सकते हैं फॉर लिम्फैटिक ड्रेनेज, एंड नंबर टू मेरी फेवरेट फेशियल योगा एक्सरसाइजेस। ये मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया है। फेशियल मसाज मैं एक दो बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू मसाज योर फेस करेक्टली फॉर लिम्फैटिक ड्रेनेज, ये है आज की वीडियो। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू लिम्फैटिक ड्रेनेज, फेस योगा एंड फेशियल मसाज। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ नई वीडियोस हफ्ते में सातों दिन प्रिटी मच। स्किन केयर सिंप्लीफाइड एक अकेला चैनल है जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेलास्मा का स्किन केयर रूटीन देखने में, एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन देखने में, एक्ने हेयर केयर इस तरह का कोई रूटीन देखने में, तो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो लास्ट वीक मैंने इंट्रोड्यूस की थी अपने चैनल पे मेंबरशिप्स। अब मेंबरशिप्स क्या है, वेरी क्विकली आई विल टेल यू। इट इज अ पेड सर्विस जहां आप एक सिलेक्ट कम्युनिटी विद इन माई चैनल ज्वाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप्स। इट इज फॉर $10 अ मंथ, यू कैन कैंसिल इट एट एनी टाइम। बेनिफिट क्या है, दो। नंबर वन, एवरी सैटरडे 12 PM IST यानी दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैं करूंगी एक्सक्लूसिव लाइव्स, जहां मैं आपके साथ वन ऑन वन कंसल्ट करूंगी। आई विल हेल्प यू डिजाइन योर स्किन केयर रूटीन, दैट्स नंबर वन। और नंबर टू, रूटीन्स मैं डालूंगी आपके जो मेंबरशिप पोर्टल होता है उसके अंदर लिखे हुए रूटीन्स, लेयरिंग चीजें, वो सब मैं टाइप करके डालूंगी। Obviously, most of the information on my channel is free, will always be free. So if you're not interested in that, go check out the playlist. अब डायरेक्टली करते हैं वीडियो को शुरू। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स बीन कमिंग टू मी, हाउ डू वी साइन अप फॉर मेंबरशिप्स। सो गाइज, जो सब्सक्राइब का बटन है मेरे चैनल पे, उसके साइड में एक ज्वाइन का बटन होता है। उस ज्वाइन के बटन को दबाएंगे, ऑब्वियसली इफ यू नॉट सब्सक्राइब, वो आपको कहेगा कि सब्सक्राइब करो, देन इट विल टेक यू टू योर कार्ड इन्फॉर्मेशन, यू विल हैव टू पुट इन योर कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ द मेंबरशिप्स कम्युनिटी। समझ आ गया, सुपर सिंपल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फेशियल मसाज। अब फेशियल मसाज हर कोई कर सकता है, रोज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दिस क्वेश्चन कि अगर हम फेशियल मसाज करेंगे तो क्या स्किन और लूज हो जाएगी? नहीं, स्किन और लूज नहीं होगी। एंड इसका लॉजिक ये है कि जब किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को आप एक्सरसाइज देते हैं, वो फर्म और स्ट्रांग होती है और लूज नहीं होती। लूज हो जाती हैं चीजें जब आप कोई हरकत नहीं करते। सो दैट्स नंबर वन, एवरी वन कैन डू इट एवरी सिंगल डे। आई ऑब्वियसली डोंट डू इट एवरी सिंगल डे, सुबह व्हेन आई एम रशिंग टू वर्क आई डोंट हैव द टाइम। बट कुछ ऐसे दिन होते हैं, जैसे आज कल रात को मैंने चाइनीज खाया था, फुल ऑफ सोए चिली ऑयल, एंड माई फेस इज लुकिंग लाइक अ गोलगप्पा। सो दिस इज व्हेन आई रियली रियली लाइक टू डू अ फेशियल मसाज, इट्स ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग। हर कोई कर सकता है, प्रोडक्ट क्या यूज करना है। देखिए, इफ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड अगर आप इस एक्सरसाइज के बाद शावर लेने वाले हैं जैसे मैं, तो फेशियल ऑयल इज रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप इसके बाद शावर नहीं लेने वाले, इफ यू आर डूइंग दिस एट नाइट, राइट, आप सोने वाले हैं, देन जस्ट यूज अ रेगुलर क्रीम। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आई विल रेकमेंड आपका जो भी मॉइस्चराइजर है, जेल बेस्ड क्रीम है, वो यूज करें। और साथ ही साथ यू कैन जस्ट कीप अ लिटिल वाटर जिसे आप स्प्रे कर सकते हैं अगर वो ड्राई आउट हो जाए। मैं आज के वीडियो में आई एम गोना यूज एन ऑयल, एंड जो ऑयल मैं यूज कर रही हूँ, आई हैव शोन इट टू यू इन अ वीडियो, इट इज द बी ऑयल, The Bee Oil by The Ordinary, it's a new launch. Smell disgusting, but effects are quite nice. So we're gonna start with this. And सबसे पहले, to get started, take a small amount. मैंने यहाँ dropper full लिया है, which is about 5 to 6 drops. And पहली चीज होती है कि आप अपने चेहरे पे oil को अच्छे से लगा लें. Obviously, मेरा चेहरा dry है, तो ये absorb ही कर गया है मेरे skin में. So I'm gonna take a little more. The skin surface needs to be slippery. And neck area पे जरूर लगाएं, neck के पीछे भी लगाएं, क्योंकि जब हम lymphatic drainage करेंगे, it will all be brought down. तो ये area बहुत critical है. एक बार ऑयल लग गया, अब शुरू करते हैं मसाज से। नाउ द फर्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज टेक एवरीथिंग अप। आप ग्वाशा यूज कर सकते हैं, ऑनेस्टली मेरे पास है ग्वाशा, इट हर्ट्स माय फेस, मुझे ग्वाशा यूज करना पसंद नहीं है। मेरे पास है नकल्स, सबके पास होते हैं। सो यू विल स्टार्ट बाय टेकिंग इट अप।
अपने दो नकल्स को इस तरह से गैप बना के आप इस एरिया में लॉक करोगे. यहां आ गया कान के पास एंड देन यू विल स्टार्ट टेकिंग इट ऑल डाउन इस तरह से. सो यू टेक इट अप एंड डाउन. नेक्स्ट यहां, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सबको किसी ना किसी पॉइंट पे ये शुरू हो जाएगा, नेजोबियल फोल्ड्स. इस तरह से फिस्ट मुट्ठी को बंद करके, फिस्ट को बंद करके व्हेन ऐसे मैं हल्का हाथ रखती हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर जाती हूँ जहाँ हमारे नोड्यूल्स होते हैं इधर, दैट इज व्हेन आई टाइटन इट. सो स्लो 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 टाइट एंड प्रेस, स्लो 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 टाइट एंड प्रेस. ऑब्वियसली प्रेशर आप उतना ही रखेंगे जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं एंड देन टेक एवरीथिंग डाउन. डबल चिन बहुत बुरी लगती है, मैं तो खुद को देख ही नहीं रही, आई एम लुकिंग इन टू द कैमरा. एंड देन रिपीट. दो नकल्स इस तरह से. मैं काफी हाई प्रेशर पे करती हूं, आप उसी प्रेशर पे करें जिस पे आप कंफर्टेबल हैं. अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू टेक एवरीथिंग अप, क्योंकि वैसे भी ग्रेविटी सब कुछ नीचे ही खींच रही है, तो हमें ऊपर लेके जाना है एंड देन वी हैव टू ड्रेन. सिर्फ ड्रेनिंग वाला पार्ट नीचे आता है जहां हम जो लिम्फ नोड्स हैं जो ड्रेनेज करनी है. और ये पीछे वाला पार्ट तो मेरा फेवरेट है, इट्स नॉट अ फेशियल पार्ट बट. So you take it up and down. And अगर आप अब देखेंगे, अगर आपने कभी भी देखा है किसी को ग्वाशा यूज करते हुए, they do it the same way, ग्वाशा को वो इस तरह ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से. गुड क्वालिटी ग्वाशास, एक्चुअल क्वार्ट्ज स्टोन, एक्चुअल जेड बहुत महंगा होता है एंड द चीप वंस आई जस्ट फील हाथ सलामत, सो वाई डू नीड अ ग्वाशा. Now comes this part, under eye में जो puffiness होती है, जब puffiness यहाँ है उसे कम करने के लिए पहले आप ऊपर से शुरू करेंगे. Just take your fingers, clip your brows. और ये हल्के हाथों से करें, स्पेशली मेरे जैसे nails हैं, don't poke yourself. आपको हल्के से pinch करना है, but like हल्के से. ऐसे भी कर सकते हो, whatever way is convenient. मेरे लिए ये तरीका convenient होता है. And then again, drag everything down. By the time I finish this lymphatic drainage, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा 1 किलो वेट कम हो गया है. होता कुछ नहीं है. Now we'll come to the forehead. अब forehead पे सबसे पहले आप इस तरह से, क्योंकि लाइनें जो हैं आपको ऐसे पड़ती हैं सीधी, right? So you will smoothen that out इस तरह से.
इस तरह से आप अपने फोरहेड को कर सकते हैं। यहां से लिफ्ट करना मत भूलिएगा। And then take your head and just press it like this. मेरे बालों में already तेल लगा हुआ है, so it doesn't matter. And then back of your neck से nodules को इस तरह से drain करें. Lymph nodes आपके यहाँ होते हैं, so all the draining will be done from here. इस टेक्निक को आप रिपीट कर सकते हैं उतनी देर तक जितनी आपको जरूरत है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कोरियन फेशियल्स ऑनलाइन, जो कोरियन टेक्निक होती है, वेयर वो फेशियल शुरू करने से पहले चेहरा क्लेंस करके फेशियल से पहले इस तरह की ड्रेनेज को कम से कम 10 मिनट तक करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच इंक्लिनेशन यू हैव, यू विल डू दैट। बहुत ज्यादा पफी आईज है, अगेन व्हेन यू आर डीलिंग विद योर आईज, ये वाला एरिया उतना प्रेशर नहीं दे सकते, नकल्स यूज नहीं कर सकते, यूज योर फिंगर्स, स्मूथन इट आउट एंड देन ब्रिंग इट डाउन। एवरीथिंग यू विल लिफ्ट एंड ब्रिंग इट डाउन, लिफ्ट एंड ब्रिंग इट डाउन। एंड चेहरे को कभी ऐसे नीचे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, इधर से लिफ्ट करेंगे और साइड से जहां लिम्फ नोड्स होते हैं वहां से आप ड्रेन करेंगे। Now let me show you the exercise. So face yoga और मेरा relationship थोड़ा सा irregular है। मैं काफ़ी accounts को follow करती हूँ जहाँ से मैं face yoga देखती हूँ, but I'm not able to do everything. But the one exercise that I do regularly, कभी भी कर सकते हो room में बैठे हुए, because it's very easy to do, and I feel actually helps, is for your nasobial folds. ये जो area यहाँ जहाँ lines आ जाती हैं, जो थोड़ा सा लटक सा जाता है, इसके लिए the facial yoga exercise which is super simple and super effective I will show you. So basically अपनी tongue को roll करके आपको इस area पे 10 से 15 बार repeat करना है, और इस area पे 10 से 15 बार repeat करना है. And at the cost of looking like a clown, let's do it. इस तरह से मुंह फुला के भी बैठ सकते हैं, दैट रियली हेल्प्स जब थक जाते हैं, बिकॉज इफ यू डू दिस, ये अगर आपने इसके 3 सेट किए 10 to 15 times हियर, 10 to 15 times हियर, ब्रेक लेंगे बिकॉज थक जाएगी आपकी टंग, देन उस बीच में आप मुंह फुला के बैठ सकते हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग, एंड देन रिपीट। कुछ इस तरह से रिपीट करें। 3 सेट्स इज वेरी एग्जॉस्टिंग, मैंने अभी 2 करे हैं एंड आई हैव नॉट डन 15 टाइम्स कंप्लीटली। धीरे धीरे, मच लाइक जिमिंग, यू कैन बिल्ड इट अप एंड यू कैन डू दिस धीरे से, मतलब अपनी जो टॉलरेंस है या अपना जो स्टैमिना है टू डू दिस, यू कैन बिल्ड इट अप। इट्स फैबुलस इफ यू हैव नेसोबियल फोल्ड्स। बाकी चीजों के लिए द फेशियल मसाज रियली हेल्प्स। आई ऑलरेडी फील अ लिटिल डीपफ्ड, आई डोंट नो इफ यू कैन टेल,
But I do sincerely feel a little debuffed. So if you are struggling with water retention in the morning, subheh subheh you look like a donut or a golgappa, whatever's your jam, do go ahead and try this facial massage technique. And comments mein mujhe zarur batayega ki aapko ye video kaisi lagi. If you have any other questions, leave it in the comment. Main notice kiya tha ki last video ke baad log apna pura routine with ingredients likh ke mujhse pooch rahe the. Mujhe thoda sa time lagta hai to come back to you guys, but I jahan routines hote hain, detailed questions hote hain, I always come back. So thank you so much for sharing it with me. I'm loving it. Any questions you have, leave it in the comments. Or thodi consultation jaate hain, memberships join kare. As usual, every other piece of information is totally free for you guys. Main aapse milungi agli baar. Till then, take great care of yourself. Don't forget to subscribe. Bye.